हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहसिक कार्य के लिए 10 लोगों का सम्मान, जलती बस से लोगों की जिम्मेदारियां बनाना सराहनीय कदम। लोकबंधु। नेशनल हाईवे पर भांडिया बस गांव में बस दुर्घटना में आग लग जाने पर अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों को सहायता करने वाले लोगों का सम्मान समारोह शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विशोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह द्वारा बस दुर्घटना में बस में आग लग जाने के बावजूद अपनी जान को जोखिम में डालकर सहायता करने वाले चेना राम पुत्र कीर्ता राम, घीसू लाल पुत्र रामचंद्र, बाबू लाल पुत्र उमेदा राम, जुगता राम पुत्र भूरा राम, डुंगरा राम पुत्र पद्मा राम, भूर सिंह पुत्र भैरू सिंह, रमेश पुत्र वाला राम, सुरेश पुत्र गेवा राम, गौतम गहलोत पुत्र भूरा राम एवं जनक गहलोत पुत्र मांगीलाल का शॉल उड़ाकर 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं कैप पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि जलती बस में से अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जिंदगियां बचाना वास्तव में सराहनीय कदम है। आपका ये कार्य राज्य, देश एवं सभी लोगों के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि आपके इस अनुकरणीय एवं सहायक कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उन्हें धन्यवाद के साथ प्रत्येक को 21,000 रुपए बतौर इनाम भिजवाया है। जिला कलेक्टर ने जलती बस में से पीड़ितों की सहायता करने वालों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यदि वे नागरिक सुरक्षा, पुलिस मित्र अथवा CLC सदस्य के रूप में जुड़ना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा दुखांतिका के संबंध में कमियों के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाकर रोकथाम के पुख्ता बंदोबस्त करवाए जाएंगे। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बस दुखांतिका में पीड़ितों की सहायता करने वाले इन लोगों को असली हीरो बताया। उन्होंने कहा कि भीषण आग में अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए बसों को बस में से बाहर निकालने में मदद करना काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुखांतिका पहले कभी नहीं दिखाई गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे जाबाज लोगों का धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित किया। इस दौरान दुखांतिका में मदद करने वाले चैना राम, घीसू लाल समेत सभी 10 लोगों ने हादसे में संबंध में विस्तार से जानकारी कराई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना होते ही वाहन में आग लग गई, बस के अंदर प्रवेश करना मुश्किल होने से बस के शीशे तोड़कर अंदर गए तथा लोगों को बाहर निकाला एवं घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया। साथ ही मृतकों के शव को एम्बुलेंस में जोधपुर भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि आधे घंटे में पूरी बस चल गई। उन्होंने दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी बसों में आपातकालीन द्वार तथा पचपतरा थाने में फायर ब्रिगेड की आवश्यकता बताई। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।